बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ कोकब जबीन और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चने कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। नाश्ते में चने कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं एक पाव सफ़ेद चने। सफ़ेद चनों को मैंने सोडा लगा के रात में भिगो दिया था और फिर इसे धोकर बॉईल कर लिया। इसके बाद है 3 खाने के चम्मच मसूर की दाल, इसको बॉईल कर लिया। इसके बाद है 1 प्याज, 1 टमाटर, कोफ्ते। कोफ्ते अंडे की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। इसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा धनिया, 3 अंडे, हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी लौंग, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और 1 चुटकी मीठा सोडा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब एक कढ़ाई में तकरीबन 1/2 कप ऑयल शामिल किया है। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। बादामी रंग की हो चुकी है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और टमाटर शामिल करेंगे। अब इसमें सूख मिर्च शामिल करेंगे, हल्दी और इसके बाद इसमें नमक डालेंगे। तकरीबन थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जी मसाला रेडी हो चुके हैं, अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्ते मैंने पहले से ही फ्राई कर दिए थे, आप कोफ्तों की बजाय चिकन भी डाल सकते हैं। मिनट हो गए कोफ्ते पकते हुए, अब हम इसमें काली मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे और सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें 1 चुटकी सोडे की शामिल करेंगे। अब इसमें मसूर की दाल उबली हुई वो शामिल कर देंगे। अब इसमें बॉईल किए हुए चने शामिल करेंगे। अब इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे और अब इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अब दूसरी तरफ 1 चम्मच नमक का डालकर अंडे बॉईल होने के लिए रख दिया। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, धनिया, और इसके बाद गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे। माशाल्लाह से हमारे चने बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
चलें जी, माशाल्लाह से कोफ्ते चने हमारे रेडी हो चुके हैं, इस पे ऑयल भी आ गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। चलें जी, आज की मेरी ये रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।